नमस्कार, मैं जयदीप तिवारी और आप देख रहे हैं देवघर.com। अभी मैं ये जो मंदिर है पीछे बजरंगबली जी का मंदिर है, इस मंदिर के पास हूँ। और ये मंदिर जो है ये रंगा मोड़ में है, तो रंगा मोड़ नामक जगह पे मैं खड़ा हूँ और सामने हमारे पंडित जी भी हैं। और आइए इन लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं तो इन सबों से बात करेंगे, देखें कि कैसे पूजा को ये लोग मेंटेन किए और क्या क्या किए अभी तक। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मंदिर है और ये बजरंगबली जी का मंदिर है। यहाँ पर ध्वजारोहण हो चुका है अभी तक और ये तुलसी स्थान है और फिर यहाँ पर पंडित जी भी हैं, तो पंडित जी से बात करते हैं कैसे इन्होंने पूजा को मेंटेन किया। दान पेटी वगैरह भी है यहाँ पर। नमस्कार पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? जतिन तिवारी। अच्छा, आप आज जो पूजा कितने बजे से शुरू किए थे? पूजा हम 6:30 बजे से भीतर में आरंभ कर दिए थे। अच्छा, क्यों? हाँ, पहले बहुत धूमधाम से करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। जब ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ नरेंद्र मोदी जी जो लोग लॉकडाउन बोले हैं, डाउन जो लागू कर दिए, तो इसका आदेश मानना जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर भीड़ वगैरह इकट्ठा नहीं होने दिए थे? मेंटेन डिस्टेंस से 2-1-5 करके पूजा करते निकल। अच्छा अच्छा, जैसे डीसी मैम द्वारा बोला गया था कि 4-5 आदमी ही रह सकते हैं, तो उसको आप पूरी तरह से मेंटेन किए? 5-3 तक हम किए हैं। अच्छा अच्छा, ये और जाइए अब आँख में भी देख लिए, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो इस बार जो पूजा में भीड़ बहुत कम हुई, तो इससे क्या आपके रोजगार पर कोई इफेक्ट पड़ा? मतलब पिछले साल से आपका जो चढ़ावा होता है वो कम वगैरह हुआ कुछ? देखिए, कुछ हुआ और न हुआ, रोजगार एक अलग है और एक देव का दंड दिया हुआ अलग चीज होता है। झारखंड को कल्याण, हम लोग यहाँ देवघर के नगरी में, बाबा के नगरी में रहते हैं, तो बाबे के नगरी में हैं बजरंगबली। हम पुजारी बहुत दिन से करते हैं, 1987 से ये मंदिर बनाए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपका अपना रोजगार कम हो लेकिन देश सेवा आपके लिए बढ़कर है। बिल्कुल है, देश सेवा बिल्कुल। और हाँ, और आमदनी जो हो और जो न हो, मतलब बाबा विश्व के कल्याण करे, झारखंड में कल्याण करे और नरेंद्र मोदी को जुग जुग में प्रधानमंत्री को जय जय। मतलब आपका रोजगार कम हो गया लेकिन आप लॉकडाउन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और लोगों से आप आग्रह क्या करना चाहते हैं? हमारे माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? हम यही लोग से कहना चाहते हैं, सुख शांति से रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर में बना के जैसे प्रधानमंत्री आदेश दिए है उसी वो बात को मानिए, और 5 आदमी कहीं एक साथ में न रहिए, एक साथ न घूमिए, दूरी में रहना है। जैसे मंदिर में पूजा करके निकलते गया, वही हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी आपको देवघर.com से बात करने के लिए। ठीक है, आइए इधर। एक बाबा खड़े हैं और कुछ बाबू लोग भी, बच्चे भी खड़े हैं, लेकिन सभी कोई डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं, तो इस बाबा से इनसे बात करते हैं हम लोग। नमस्कार बाबा, आपका नाम क्या हुआ? भिखारी चौधरी तुरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब यहाँ क्या, कौन सा नाम, गांव? रंगा मोड़ के। अच्छा, आपका क्या रोजगार वगैरह कैसे चल रहा था इससे पहले? इस लॉकडाउन में तो आप पूरी तरह से घर में होंगे, तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे? ढोल बजाता है, कखनो माटी उटी करता है, आई काम। अच्छा, ढोल बजाने का काम करते हैं, मतलब शादी में जो ढोल बजता है या पूजा में जो ढोल बजता है उसका काम करते हैं। बिल्कुल, तो आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको सरकार से कि इस लॉकडाउन में कैसे आपकी मदद हो? ये दीजिएगा बाबू, क्या बोलेगा हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। और आपका जो है अभी लॉकडाउन में आपको क्या राशन वगैरह मिल चुका है? नहीं मिला है राशन, नहीं मिला है। नहीं मिला। आपको पता है राशन आपका आ गया है तो आपको जाकर के ले लेना है ना? नहीं सर, राशन मिल गया है, इन लोग गलत ये बात। अच्छा, मतलब इनको नहीं मिला है, ये लाने नहीं गए हुए? हाँ हाँ, इनको लाने नहीं गए हैं। तो आपको दाल भी मिलेगा इस बार, जानते हैं ना, इससे पहले दाल नहीं मिलता था। और पेंशन वगैरह मिल रहा है अभी आपको? पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन इस बार 3 महीने का आएगा एक साथ में, अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा। आप जाकर के बाद में देख लीजिएगा बैंक वगैरह में। और यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या हुआ? केशव शर्मा। कौन सा शर्मा? केशव शर्मा। बिल्कुल, आपका गांव कौन सा हुआ? यही रंगा मोड़ है। ठीक है, और आप अभी क्या कर रहे थे ऐसे लॉकडाउन में, कैसे कर रहे हैं? सुबह से शाम तक आपका कैसा चल रहा है? ठीक है चल रहा है, अभी बैठते हैं घर में। अच्छा अच्छा, मतलब बैठते हैं सुबह से शाम तक, और इधर उधर घूमते हैं गाय पोस। अच्छा, और आपके घर की महिलाएं या बच्चे कैसे कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं सुबह से शाम तक, उनका टाइम पास कैसे हो रहा है? वही खाना उना बनाता है, बैठे रहता हूँ, बैठ के टीवी वगैरह देख करके। नहीं, उनका टीवी नहीं है। अच्छा, टीवी नहीं है, मतलब ऐसे ही किसी तरह से सुबह से शाम उनका चल जा रहा है।
बिल्कुल। और एक आइए यहाँ पे बात करते हैं, एक भैया आए हैं, ये कहीं से आ रहे हैं, कोई काम से शायद घर से निकले हुए थे, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार साहब। आपका घर कहाँ हुआ? अच्छा, यहीं पिपरा। बिल्कुल, आप क्या करने के लिए आज निकले हुए थे अभी घर से? अच्छा, तो आपको मास्क वगैरह लगा लेना है ना, वो सब तो वो सब आपको मेंटेन करना था। और आप घर में कैसे सफाई मेंटेन कर रहे हैं अभी? अभी ठीक चल रहा, मतलब हाथ वगैरह धो रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से दूरी मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक यहाँ पर और एक चाची हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार चाची, आपका नाम? माला देवी। माला देवी, आप क्या करते हैं ऐसे घर में इस लॉकडाउन? घर में रहते हैं, पूजा प्रसाद मंदिर के, मेरा पति हस्बैंड पूजा करते हैं, उसी के साथ हम भी पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप पूरी तरह से बजरंग बली की सेवा को मैं समर्पित हैं और घर पर ही रहते हैं। अच्छा, घर पर ही रहते हैं, मतलब इस लॉकडाउन को आप पूरी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप आपके घर में जो बच्चे हैं वो कैसे रह रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्या वो ठीक तरीके से? भीतर में, अंदर में रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं, बच्चे से आसपास जाने नहीं देते हैं। अच्छा, और राशन वगैरह आपको मिल रहा है ना टाइम टू टाइम? पेंशन वगैरह का कुछ है क्या, आपको मिला है? पेंशन नहीं मिला, मेरा हस्बैंड को मिल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका उम्र हो गया है वृद्धा पेंशन का, 60 पार नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आप आराम से, तो पूजा आप कितने बजे यहाँ पे करवाए, आप लोगों के माध्यम से कितने बजे हुआ है पूजा? 8:30, 7 बजे, 8 बजे हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो 8 बजे भीड़ वगैरह ज्यादा नहीं थी ना? नहीं की, नहीं। अच्छा, तो पुलिस वगैरह आई थी बीच में? नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, नहीं आई थी। बिल्कुल। और यहाँ पे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबू, आपका नाम? राहुल तिवारी। राहुल तिवारी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं इंदौर में, मैं मतलब गांव तो मेरा ये, पर मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं नागेश्वर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ इंदौर में। अच्छा अच्छा, मतलब आप अभी गांव आए हुए हैं, आप इंदौर में रहने वाले ऐसे इंदौर में रहते हैं। हाँ। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक डिस्टर्बेंस हो रही है इस लॉकडाउन को लेकर? हाँ, मतलब डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, तो आप सुबह से शाम तक आपका कैसा चल रहा है, कैसे जी रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं मोबाइल से, या कैसे टाइम पास कैसे हो रहा है? टाइम पास तो टीवी और मोबाइल से हो रहा है, क्योंकि बाहर तो जाने नहीं दे रहे। अच्छा, तो वो घर में पढ़ रहे हैं या सिर्फ टीवी मोबाइल करके ही सुबह से शाम तक रह रहे हैं? बिल्कुल, आपको पढ़ना है। और एक बाबू हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबू, आपका नाम? आदर्श तिवारी। बिल्कुल। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, आप भी इंदौर में ही रहते हो, तो दोनों आप लोग भाई हो क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आप लोग इंदौर में पढ़ाई ऐसे अच्छी तरह से करते थे ना? हाँ, अच्छे करते, लेकिन इस बार डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, इस बार डिस्टर्ब हो गया, तो आपका एग्जाम वगैरह हो गया था, फाइनल एग्जाम? हाँ, हो गया था। अच्छा, तो आप जो यहाँ पर आए, तो अभी बुक वगैरह लेकर के आए हैं? नहीं, पढ़ाई तो कम्प्लीट हो गई, अब देखते हैं। अच्छा अच्छा, और आइए एक चाची से बात करते हैं, ये चाची कहीं जा रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार चाची, आपका नाम क्या हुआ? कुसुम देवी। कुसुम देवी, आप कहाँ जा रहे थे अभी? कहाँ ना, यहाँ तोरे देखी आलिए बाबू। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो आपको मास्क वगैरह या मुंह को ढक करके रखना है, ये जानते हैं ना ये सब? हाँ, हाँ। तो अभी आप बाहर जो निकले या घर से बाहर, तो हाथ वगैरह धोते हैं ना अंदर जाने के बाद? हाँ, हाँ। ठीक है। और आपके जो बच्चे हैं, वो बच्चे लोग कैसे सेफ रह रहे हैं घर में अंदर? हाँ, ठीक है। अच्छा, मतलब बाहर घूमते नहीं है? नहीं। और आप अभी कैसे कर रहे हैं, सुबह से शाम आपका कैसे चल रहा है, मतलब कैसे टाइम पास होता है? आप तो दूसरे के घर गप कर रहे, भी नहीं जा पा रहे हैं अभी? तो घर है, पार कर ले, मतलब किसी तरह से सुबह से शाम घर में ही पार हो रहा है। और आइए एक और एक दादी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार दादी, आपका नाम? सुमति देवी। अच्छा, आप क्या करते हैं घर में ऐसे? घर में की करो, अपन बैठे उठे या अपन घर में बोले यार, की करते? अच्छा अच्छा, और आपको पेंशन वगैरह मिलता है सरकार का? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। और आपके घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके जो बेटे हैं वो लोग क्या करते हैं? बच्चे अपन वह घूरे बुले अपन घर है। अच्छा, बाहर में कोई नहीं अभी फंसा हुआ है ना? सब घर चले आ, सब घर आ गया है। बिल्कुल। और आप कैसे सुबह से शाम, आपका खाना पानी सब चल रहा है ना आराम से? राशन मिल गया है आपको? नहीं मिला है राशन। अच्छा, राशन आ गया है, आप जा करके ले सकते हैं। और हाँ बोलिए बोलिए, और हमारे माध्यम से आप सरकार को से क्या मांग रखते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? हमने पेंसिल मिलना चाहिए, बूढ़ा आदमी कौन सिखावे? अच्छा, मतलब को मुखिया सब को कागज लिखी दे। अच्छा, देवे ना करे हमने को। अच्छा, हम ही है। मतलब आपको पेंशन जरूर मिलना चाहिए, और आप पेंशन